हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का एक चैप्टर सेल, जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं डिफरेंट सेल ऑर्गन हो गए हैं, और मीन्स कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मीनिंग्स, उनका डेफिनेशंस, ओके, पढ़ाने वाला हूं। और ये टॉपिक पूरा ही इंग्लिश में रिटेन है, और मैं इसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अच्छे समझाऊँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल टॉपिक रहेगा हमारा, ओके। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, ओके। और कुछ पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं वो समझाएंगे, कुछ अदर पॉइंट भी अपनी तरफ से मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ सेल, कि सेल क्या होता है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं सेल के बारे में, ठीक है। तो इसमें अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। जो सेल है, बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं इसे, ये क्या करती है कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, उन्हें परफॉर्म करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, जो लाइफ है उसकी सबसे छोटी इकाई को भी हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। फर्स्टली सेल की डिस्कवरी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने, मैं बता दे रहा हूँ लिख के, रॉबर्ट हुक, ओके, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, ओके। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इसके अलावा एक चीज़ आप सभी लोग याद रखना है कि सेल की स्टडी जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या होता है? साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये आप सभी लोग पता होना चाहिए। अगर आ जाए वोट इज साइटोलॉजी तो बताएंगे स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक इन 1665, ओके। तो ये तो सेल की बात थी, आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेल, कि सेल के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो सेल के एग्जाम्पल सभी लोग जानते हैं, ठीक है, फिर भी यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के एग्जाम्पल के थ्रू आ जाते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया है, प्लांट स्टेम, ठीक है, प्लांट में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बैक्टीरिया हो गया है, ओके, रेड ब्लड सेल हो गई हैं, आरबीसी बोलते हैं, नर्व सेल हो गई हैं। नर्व सेल जो है ये एक लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, सॉरी लार्जेस्ट नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग, ये लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया है, बैक्टीरिया को प्लांट्स कहेंगे हम, ये प्लांट्स होते हैं, एनिमल नहीं होते हैं बैक्टीरिया, बिकॉज सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, ओके। आरबीसी जो है, आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड सेल है। कैसी है? ए न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है, ओके, ये बात याद रखनी है आप सभी लोगों को, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है तो आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड सेल है, ओके। तो ये सेल के एग्जाम्पल हो गए हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, सॉरी। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो फर्स्ट टाइप है सेल का, वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट सेल के बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोट सेल होता क्या है। जैसा कि टर्म से है, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मींस कैरियन, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव कैरियन मींस प्रिमिटिव नेक्लेस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं, ओके। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, जो इसके स्ट्रक्चर हैं वो सराउंडेड नहीं होते मेम्ब्रेन के थ्रू। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जैसे कि, ठीक है, और वन सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, बता दे रहा हूँ कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, मीन्स प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया है। इसके अलावा आप और भी याद कर सकते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है PPLO, क्या होता है, PPLO, प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो गए हैं, ओके। अगला देखते हैं आगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, ठीक है। कंटेन ऑर्गेनल्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसमें क्या है, और सेल ऑर्गेनल्स जो है कंटेन प्रेजेंट होते हैं और सभी मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होते हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली सभी में सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, सभी में ये यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। मैंने एक बार एग्जांपल बता दिए हैं प्रोकैरियोट सेल के, सो आप लोग याद कर लेना है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो होती हैं सभी में यूकैरियोट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, ओके। इसमें देखो डायग्राम के थ्रू बताया गया, थोड़ा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये एक सेल है, प्लांट सेल है, और ये किसकी सेल है, एनिमल सेल है, ओके। चलिए आगे देखते हैं टिपिकल एनिमल सेल। भाई एनिमल सेल जो है, इसमें आप लोगों को जो मेन डिफरेंस अगर बताया जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो आप समझ सकते हैं कि जो एनिमल सेल होती है, अगर मेम्ब्रेन के बेस पे कहा जाए तो सेल वॉल अब्सेंट होती है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं।
केवल क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है, ये प्लांट सेल प्रेजेंट होता है ओके। बाकी कोई खास मैन डिफरेंस नहीं होता है ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो आपको तैयार रखना है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया है, सेल ऑर्गेनेल सेल वॉल हो गया है ठीक है, सेंट्रोल के बेस पर डिफरेंस कर सकते हैं ओके। चलिए आगे देखते हैं, टिपिकल प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बारे में दिया गया, आप देख सकते हैं सही से इसका स्ट्रक्चर ठीक है, और आप इसे बना भी सकते हैं प्लांट सेल को ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है ओके ओके, इसमें देख सकते हैं आप सभी लोग सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन इसमें दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन क्या है कि एनिमल सेल में ऐसा नहीं है, एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल मेम्ब्रेन जैसा कि सभी पढ़ा है, भाई सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, कोई भी सेल की, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट एंड आउट ऑफ द सेल ठीक है, इट इज़ डबल लेयर्ड, और कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। मैं इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जो कि आप लोग तैयार रहने हैं। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो होता है ठीक है, इसे डायरेक्टर ऑफ दी सेल भी कहा जाता है ओके, याद रखना है क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ दी सेल कहते हैं ठीक है। जितनी भी सेल की जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं ओके। नेक्स्ट है सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस है ठीक है, इसे साइटोप्लाज्म सेपरेट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा सेपरेट रहता है, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को अलग करती है ओके। कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो न्यूक्लियस में क्या है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, आप लोगों को याद रखना है क्या बोलते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इससे पेंटोस शुगर, इसमें जो शुगर होती है उसे पेंटोस शुगर बोलते हैं, फिर डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहेंगे ओके। तो ये सभी को या ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में डिटेल बताता चला जा रहा हूँ, जिससे आपको ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाए आपको, जिससे आप चैप्टर डिटेल में पढ़ें तो आपको अच्छे समझ में आए ओके। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी, डिस्कवरी की बात करते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन है ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी ओके। और न्यूक्लियस का अदर नेम होता है कैरियन, ये भी याद रखना है, कैरियन क्या होता है, कैरियन, न्यूक्लियस का अदर नेम होता है कैरियन, इसी पर बना है कैरियोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोलॉजी ओके। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कवरिंग होती है किसकी, न्यूक्लियस की होती है, तो सराउंड्स न्यूक्लियस मेड ऑफ टू लेयर्स, ओपनिंग अलाउज मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस ओके। तो कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि डबल लेयर्ड होती है ओके। चलिए आगे नेक्स्ट देते हैं पॉइंट, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भाई न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होते हैं, सभी लोग जानते हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है, इन न्यूक्लियस तो क्रोमोसोम जो होते हैं ठीक है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेड ऑफ डीएनए, डीएनए के बने होते हैं, कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स ठीक है, और इनका फंक्शन जो होता है वो क्या करते हैं कि कैरेक्टर को ट्रांसमिटेड करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओके। सो इस तरह से ये कुछ मेन पॉइंट हैं, आप लोग समझते चलिए ओके। आगे देखते हैं न्यूक्लियोलस, भाई न्यूक्लियोलस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, देखो न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं ओके। इनसाइड न्यूक्लियस ठीक है, क्लियर, कंटेन आरएनए बिल्ड प्रोटीन्स ठीक है, और इसके जो है आरएनए प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो इस तरह से ये न्यूक्लियोलस हो गया है। एक बात और आपको बता दूं कि न्यूक्लियोलस जो होता है ठीक है, ये इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और इसे सेल ऑर्गेनेल इनसाइड सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है ठीक है, मीन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल वो कौन सा है, न्यूक्लियोलस है ओके, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इसीलिए इसे बोलते हैं ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, भाई साइटोप्लाज्म को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं भाई, बहुत पहले से पढ़ते चला रहे हैं साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर कंटेन होता है, एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है, चाहिए जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिक्सचर होता है ठीक है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं ठीक है। तो जेल लाइक मिक्सचर होता है, सराउंड बाई सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है, कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, जिसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल भी कंटेन हो सकता है ओके। इतना क्लियर हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में ओके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईआर ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, मूव्स मटेरियल अराउंड इन सेल्स, स्मूथ टाइप्स लेक राइबोसोम एंड रफ टाइप्स ठीक है, राइबोसोम एम्बेडेड इन सरफेस, जो राइबोसोम जो सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ, दूसरे होते हैं रफ, जो स्मूथ होते हैं उसमें क्या होता है, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम अब्सेंट मीन्स लेक राइबोसोम्स ठीक है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बाकी जानकारी मैं कुछ बता दूं कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं ओके, जबकि रफ टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका फंक्शन होता है कि ये आपका
लिपिड सिंथेस करते हैं, क्या करते हैं लिपिड सिंथेस करते हैं। इसके अलावा आप अदर नेम भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, स्केल्टन ऑफ द सेल, स्केल्टन ऑफ द सेल मीन्स ये सेल का स्केल्टन के रेफर करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया कौन नहीं जानता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत पहले से पता चला है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी का हम यूज करते हैं भाई भाग दौड़ खेल कूद पढ़ने लिखने दौड़ने वाले सब में यूज करते हैं। ओके तो प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो इसका एनर्जी का फॉर्मेशन जो मेथड है ये ब्रेक डाउन करता है किसे, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को फैट को ब्रेक डाउन करके क्या करता है एनर्जी बनाता है। ओके कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल सेल, ठीक है, रिसाइकल एंड डिकम्पोज प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब इसके फंक्शन हो गए हैं इस तरह से। ओके माइटोकॉन्ड्रिया बायोफ्लास्ट भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके चलिए गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी है प्रोटीन पैकिंग प्लांट, ठीक है, ये प्लांट क्या है प्रोटीन पैकिंग प्लांट्स, ठीक है, प्रोटीन पैकिंग का वर्क करता है, मूव्स मटेरियल विद इन द सेल, ठीक है, मूव्स मटेरियल आउट ऑफ सेल ट्रांसफर करने का वर्क करता है, ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडी है, इसका याद रखना है। कैमलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों को। बैक्योल, बैक्योल देखो बैक्योल की बात अगर बता दूं मैं तो बैक्योल जो प्लांट सेल प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल बैक्योल एब्सेंट होती हैं, ठीक है, और बैक्योल की जो कवरिंग होती है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और प्लांट के केस में जो बैक्योल होती है उसे उसके अंदर एक सेल शेप प्रेजेंट होता है, सेल शेप क्या होता है सेल शेप एसीपी, ठीक है, सेल शेप प्रेजेंट होता है, सेल शेप का फंक्शन होता है कि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंथोसाइनिन, और ये एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है ये फ्लावर के डिफरेंट कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स फ्लावर के जो डिफरेंट कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वैक्यूल क्या मेम्ब्रेन बाउंड सैक एंड स्टोरेज डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल मटेरियल्स वगैरह होते हैं, कंटेंट वाटर सॉल्यूशन हेल्प प्लांट मेंटेनेंस शेप वगैरह प्रोवाइड देता है, ठीक है, प्लांट सेल को। ओके तो इस तरह से ये इसके वैक्यूल के फंक्शन हो गए हैं, आपको याद रखना है मेम्ब्रेन कौन सी होती है, भाई टोनोप्लास्ट होती है, ठीक है। ओके चलिए सीलिया फ्लैजेला, सीलिया फ्लैजेला की बात करते हैं, सीलिया, ठीक है, प्रोवाइड मोटिलिटी मीन्स लोकोमोशन हेल्प करते हैं, सीलिया शॉर्ट यूज टू मूव सबस्टेंस आउटसाइड द ह्यूमन सेल्स, ठीक है, फ्लैजेला विप लाइक एक्सटेंशन फाउंड इन स्पर्म सेल्स, ठीक है, बेसल बॉडी लाइक सेंट्रल्स वगैरह, ठीक है, बेसल बॉडी लाइक सेंट्रल्स सब प्रेजेंट होते हैं। ओके तो आप सभी फ्लैजेला के फ्लैजेला और सीलिया का मेन फंक्शन यही होता है कि लोकोमोशन वर्क करते हैं, ठीक है, और किस तरह का जो सीलिया थोड़ा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है और फ्लैजेला थोड़ा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे यूलिना में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, पैरामीसियम सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से होता है। ओके आगे देखिए सेंट्रल के बारे में, सेंट्रल पेयर्स ऑफ माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, क्या सेंट्रल हेल्प करते हैं क्या किसमें, सेल डिवीजन में। ओके तो ये भी याद रखना है आपको सभी को। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट सेल कंटेंट सेल कंटेंट, ओके, डबल लेयर फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं इस तरह से इसमें होता है, ठीक है, और 75 एंगस्ट्रॉम की इसकी थिकनेस होती है, मैं बता दूं आपको ये सब तैयार रखना है आपको। ओके फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर मीन्स फॉस्फोलिपिड मीन्स फॉस्फोरस एंड लिपिड्स जो है पोलर, इसमें हाइड्रोफाइटिक हेड होता है, फाइलिक हेड होता है सॉरी, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इंटरेक्ट विद वाटर, वाटर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि आप सभी लोगों ने देखे हैं, ठीक है, कुछ और टर्म है जो कि अगले टर्म पर क्लियर मैं कर दूंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, तो कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इतना ही पढ़ाया आप लोग बता दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म पार्ट फर्स्ट समझ लीजिए, सेकंड पार्ट का जल्दी लेके आऊँगा। सो थैंक यू।